our fourth class UKG and today we are going to learn subject English. आज मैं आपको English में पढ़ाऊंगी use of these, those. These means ये and those means वे. इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था use of this, that. This means यह जो वस्तुएं हमारे नजदीक है जिन्हें हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं वो एक सिर्फ सिंगल वस्तु के लिए हम दिस का यूज करते हैं एंड दैट जो वस्तु हमसे दूर है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं टच नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं उसी तरह दीज मीन्स ये जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं लेकिन वे वस्तुएं जो एक से अधिक होगी उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे एंड दोज मीन्स वे जो वस्तुएं हमसे दूर है जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं और वो वस्तुएं भी एक से अधिक होगी उसके लिए हम दोज का यूज करेंगे ओके तो अब सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे ये क्या है आइसक्रीम्स है क्योंकि ये दीज आर आइसक्रीम इनमें दीज का यूज हुआ है यानी कि ये क्या है हमारे नजदीक है ओके दीज आर आइसक्रीम्स ये आइसक्रीम क्या है हमारे नजदीक है इसलिए हमने इसके लिए क्या किया दीज का यूज किया यानी कि ये आइसक्रीम्स है ओके सपोज कि वो आइसक्रीम्स दूर होती तो हम क्या बोलते दोज आर आइसक्रीम्स ओके लेकिन ये हमारे नजदीक है इसलिए हमने इसके लिए दीज का यूज किया सो दीज को हम अंडरलाइन करेंगे ओके नेक्स्ट आएगा दोज यानी कि एक से अधिक छाते हैं ओके तो ये क्या है दोज आर यानी कि वे दूर की वस्तु है ना तो हम अम्ब्रेलाज यानी कि छातों को क्या करेंगे थोड़ा दूर बताएंगे ओके जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है दूर की वस्तुएं हैं और इसके लिए हम दोज का यूज करेंगे दोज आर अम्ब्रेलाज यानी कि क्या है वे छाते हैं वे क्या है दूर है इसलिए हमने उसके लिए वे दोज का यूज किया है ओके तो दोज को भी हम अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट आएगा दीज आर यानी कि ये बिल्लियां हैं ओके तो बिल्लियां क्या है दीज के यूज में है तो बिल्लियों को हम क्या बनाएंगे नजदीक बनाएंगे बिल्लियों के पिक्चर्स क्या है नजदीक बनी है तो इसके लिए हमने क्या यूज किया दीज तो दीज को भी हम अंडरलाइन करेंगे एंड लास्ट आएगा दोज
यानी कि वे सेम हैं, ओके। सेम क्या है, एक से अधिक है, इसलिए हमने क्या किया, दोस का यूज किया। यानी कि वे क्या है, सेव है, एक से अधिक है ना, और दूर है, तो हमने क्या किया, दोस का यूज किया, तो दोस को भी हम अंडरलाइन करेंगे, ओके। नाउ रिपीट अगेन, यूज ऑफ दीज दोस, दीज यानी कि जो वस्तुएं हमारे नजदीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और वे एक से अधिक वस्तुएं हैं, उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे। एंड दोज यानी कि जो वस्तुएं हमसे दूर है, जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, और वे वस्तुएं भी एक से अधिक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम दोज का यूज करेंगे, ओके। दीज आर आइसक्रीम्स, ये आइसक्रीम्स हैं, यानी कि क्या है, आइसक्रीम्स क्या है, नजदीक है, इसलिए हमने आइसक्रीम के लिए, आइसक्रीम्स के लिए दीज का यूज किया है। और आइसक्रीम्स आप देख रहे हो ना, एक से अधिक दो बनी है, चाहे हम तीन बनाए, चार बनाए, मतलब एक से अधिक जो बनेगी उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट है, दोज आर अम्ब्रेलास, वे छाते हैं, छाते क्या है, दूर है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, दोज का, ओके। नेक्स्ट है, दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं, बिल्लियां क्या है, नजदीक है, इसलिए इसके लिए क्या यूज हुआ, दीज। एंड लास्ट है, दोज आर एप्पल्स, वे सेब हैं, यानी कि वो क्या है, दूर है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, दोज। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। सारे बच्चे अपनी नोटबुक में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। प्रत्येक सेंटेंस के बाद आप वन लाइन गैप करोगे, आगे आप पिक्चर्स बनाओगे। ध्यान रहे, दीज में आपकी पिक्चर्स नजदीक बनी होगी और दोज में आपकी पिक्चर्स दूर बनी होगी। सारे सेंटेंस के दीज दोज को आप अंडरलाइन करोगे और इसको अच्छे से लर्न भी करोगे, ओके। थैंक यू।